हेलो स्टूडेंट, आई एम नवीन कुमार फ्रॉम श्री दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दोसा। कल अपन ने डिस्कस किया था थ्री फेज डायग्राम ऑफ सॉइल। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ उसकी डेफिनेशन, कुछ बेसिक डेफिनेशन है उन पर डिस्कस करते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑल ऑफ है वाटर कंटेंट। व्हाट इज वाटर कंटेंट? वाटर कंटेंट को ही बेसिकली अपन मॉइस्चर कंटेंट भी कह सकते हैं। वाटर कंटेंट का मीन्स क्या है? वाटर कंटेंट किसी भी सोइल्स के पार्टिकल में वाटर की क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए जो डिफाइन किया जाता है वही अपना क्या होता है, वाटर कंटेंट। कि कोई भी सोइल्स का स्पेसिमन है उसमें कितना वाटर की क्वांटिटी अवेलेबल है। अब उसको अगर मैथमेटिकली पोर्शन में देखते हैं तो द वाटर कंटेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ वाटर टू द मास ऑफ सॉलिड्स, W इज इक्वल टू एम डब्ल्यू अपॉन एम एस। अब यहाँ पे इसको डिफाइन किया है मास के केस में, अब इसको अपन वेट के केस में भी डिफाइन कर सकते हैं। वेट में अपन वेट ऑफ द वाटर और वेट ऑफ द सॉलिड्स का रेशियो लेते हैं, तो अपना एक मैथमेटिकली जो फॉर्मूला डिफाइन होता है वो हो जाता है W इज इक्वल टू एम डब्ल्यू अपॉन एम एस। इसी को अपन W इज इक्वल W अपॉन W एस भी लिख सकते हैं, और जो इसकी वैल्यू है वो परसेंटेज में डिफाइन की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है यूनिट वेट। अब यूनिट वेट जो सॉइल्स है उसका यूनिट वेट निकालने के लिए डिफरेंट कुछ डेफिनेशन है, जिसमें फर्स्ट है अपना बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट क्या है? द बल्क यूनिट वेट इज डिफाइंड एज द टोटल वेट पर यूनिट टोटल वॉल्यूम। जो कोई भी सॉइल्स का पार्टिकल है, स्पेसिमन है, उसका टोटल वेट और उसका टोटल वॉल्यूम का ही रेशियो क्या होता है, बल्क यूनिट वेट, जिसका फॉर्मूला मैथमेटिकली डिफाइन होता है गामा इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी। और जो इसकी यूनिट होती है यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, इसको अपन डिनोट करने के लिए गामा बी या फिर गामा टी से डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट में सॉइल्स, ड्राई सॉइल्स ली जाती है, ड्राई सॉइल्स का वेट और उसका वॉल्यूम, तो उसको अपन कह सकते हैं कि वेट ऑफ ड्राई सॉइल एंड वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल्स का रेशियो ही क्या होता है, ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट जिसका फॉर्मूला डिफाइन होता है गामा डी इज इक्वल टू डब्ल्यू एस अपॉन वी। इसी तरह नेक्स्ट है सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट वेट में जो सॉइल्स है वो सैचुरेटेड ली जाती है कि उसमें वाटर की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा रहती है, वही अपना क्या होता है, सैचुरेटेड सॉइल। तो इसका जो यूनिट वेट निकाला जाता है वो सैचुरेटेड यूनिट वेट और वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉइल का रेशियो होता है वो ही उसका क्या होता है, यूनिट वेट। फॉर्मूला हो जाता है गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू डब्ल्यू सैचुरेटेड अपॉन वी। अब इसी तरह नेक्स्ट है अपना सबमर्ज्ड यूनिट वेट। सबमर्ज्ड यूनिट वेट क्या होता है? सबमर्ज्ड यूनिट वेट को समझने के लिए सबसे पहले सबमर्ज्ड क्या होता है। सबमर्ज्ड कोई भी वाटर के अंदर, कोई भी वाटर के अंदर कोई बॉडी वाटर सॉइल्स का पार्टिकल सबमर्ज्ड है, वाटर के अंदर है, तो वो अपना सबमर्ज्ड की कंडीशन में रहता है। अब वो सबमर्ज्ड की कंडीशन में रहता है, कोई भी वस्तु या कोई भी पार्टिकल है वो वाटर के अंदर है, तो उसके ऊपर आर्किमिडीज़ का प्रिंसिपल डिफाइन होता है, जिसमें एक फोर्स लगता है बॉयनेट फोर्स। उस फोर्स की वजह से जो उस सॉइल्स के पार्टिकल के द्वारा जो वाटर डिस्प्लेस किया जाता है उसका वेट और उसका वॉल्यूम ही क्या होता है, गामा से डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू सबमर्ज्ड अपॉन वी। उसका जो फॉर्मूला डिफाइन होता है वो गामा डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू सबमर्ज्ड अपॉन वी। अब इसी को अपन
जो सबमर्ज की कंडीशन है, इसी को अपन दूसरे फॉर्म में भी निकाल सकते हैं कि जो सैचुरेटेड सॉइल्स है उसमें से अगर वाटर की क्वांटिटी अगर अपन माइनस कर दें तो वो अपना क्या निकल के आता है, सबमर्ज यूनिट वेट। तो उसी को अपन दूसरे फॉर्मूला बेसिस में, मैथमेटिकली बेसिस में अगर फॉर्मूला देखते हैं तो वो अपना बन जाता है गामा डैश इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। ठीक है स्टूडेंट, इसको डिनोट किससे करते हैं, गामा डैश से। अब नेक्स्ट है यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स। जैसे अपन ने बल्क यूनिट वेट डिफाइन किया था उसी तरह यहाँ पे जो कंसिडर करेंगे लेके चलेंगे वो अपन क्या लेके चलेंगे, वेट ऑफ सॉलिड्स, सॉइल सॉलिड्स और वेट ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। जो फॉर्मूला डिफाइन होता है वो गामा एस इज इक्वल टू डब्ल्यू एस अपॉन वी एस। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली अपन सीमेंट की भी निकालते हैं और सॉइल्स की भी निकालते हैं। यहाँ अपन सॉइल्स के डिस्कस कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है कि वेट ऑफ या फिर मास ऑफ सॉइल्स, सॉलिड सॉइल्स और मास ऑफ वाटर या मास ऑफ सॉरी वेट ऑफ वाटर का रेशियो ही क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। जहाँ पे जो वाटर का टेम्परेचर लिया जाता है वो 4 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है और इसका जो फॉर्मूला डिफाइन होता है वो जी इज इक्वल टू रो एस इज इक्वल टू सॉरी रो एस अपॉन रो डब्ल्यू। इसी को अपन वेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू एस अपॉन डब्ल्यू डब्ल्यू। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी का ही एक पार्ट है। तो ये क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास डेंसिटी ऑफ द सॉइल टू द मास डेंसिटी ऑफ वाटर। जी एम इज इक्वल टू जो इसका फॉर्मूला निकल के आएगा वो जी एम इज इक्वल टू रो अपॉन रो डब्ल्यू। और जो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी से स्मॉलर होती है, वो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी से स्मॉलर होती है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।